हेलो एवरीवन। सो नाउ वर्क करेंगे थोड़ा एडमिन पैनल पे, ठीक है। स्टूडेंट का जो पैनल है वो मैं इसको वहीं पे रोकता हूँ, ठीक है। सारा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने एंड पे ट्राई कीजिएगा उसको। नाउ अब हम आते हैं एडमिन पैनल पे, थोड़ा सा काम एडमिन पे कर लेते हैं, ठीक है। सो एडमिन पैनल में हमको क्या काम करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि अभी हमारा एप्लीकेशन कहाँ पे है। और हमने बीच में स्टूडेंट पे काम करते करते हमने बहुत कुछ चेंज किया था, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्रिएट किए थे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्स्टेंट के फॉर्म में क्रिएट करके यूज़ की थी। तो वहाँ पर हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, ठीक है। सो कहाँ ब्रेक हो सकता है उसको हम देख लेंगे। तो एडमिन पैनल पर आते हैं और एडमिन का जो ईमेल एड्रेस था वो हमने कॉन्स्टेंट में सेव किया था वो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो admin@gmail.com और यहाँ पर 123456 और मैंने कहा लॉग इन। सो बेसिकली ओके, एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्विजेस की लिस्ट थी वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। नाउ एड स्टूडेंट में जाएंगे तो स्टूडेंट प्रॉपर हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सब कुछ परफेक्ट है। नाउ क्विज क्यों नहीं दिख रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर स्टैक ट्रेस आ गया है, एरर आई हुई है। तो सबसे टॉप पे जाते हैं और यहाँ पर आएंगे quiz.11 में, quiz.java में। और यहाँ देखेंगे मैसेज क्या दिया है कि यहाँ पर एम्बिग्यूटी आईडी है कॉलम के साथ, ठीक है, कॉलम नेम आईडी के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर ये एरर क्यों आई हुई है क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने हर एक टेबल की जो आईडी है उसको एज अ आईडी कॉलम से मैंने उसको यूज़ किया है। तो अब मैंने जब यहाँ पर मैंने क्या किया है, टेबल नेम यूज़ किया है मैंने एंड क्विज आईडी। तो मैंने यहाँ पर टेबल नेम और क्विज आईडी सेलेक्ट की, इसके बाद मैंने यहाँ पर कहा टाइटल और यहाँ पर मैंने कहा आईडी। तो ये आईडी और क्विज आईडी वहाँ पर एमबीबीटी आ गई थी। यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस टेबल की आईडी है, ठीक है। आप इस पर थोड़ा और टाइम अगर स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। तो यहाँ पे मुझे टेबल का नेम भी पास करना है क्वेश्चंस की टेबल का, कॉपी करूंगा मैं इसको, पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर मैंने कहा मेरा डेटा डॉट, यहाँ पर मैंने कहा टेबल नेम, ठीक है। सो नाउ ये परफेक्टली वर्क करेगा। अगेन एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ओपन हो गया है, एडमिन पैनल पे जाएंगे और यहाँ पर हमने कहा admin@gmail.com, पासवर्ड डालेंगे 123456 और हमने कहा लॉग इन। सो परफेक्टली ये लॉग इन हो रहा है, कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ओके, अगेन एक्सेप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। एक्सेप्शन आना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्शन से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। नो सच कॉलम id.question, अगेन परफेक्ट। सो एरर बहुत जेन्युइन है, टेबल नेम पहले कर दिया है, क्वेश्चन आईडी जो बाद में कर दिए। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पर सॉरी, सो मैंने जो टेबल नेम है इसको ऊपर करना है मुझे, कट करेंगे और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया, सेव करेंगे एंड नाउ इसको रन करेंगे। तो ये इस बार बिल्कुल भी एरर नहीं देगा, गारंटेड है, ठीक है। देख लेते हैं, ओके। सो एडमिन पे जाएंगे और यहाँ पर हमने कहा admin@gmail.com, पासवर्ड 123456 और लॉग इन करेंगे, ओके। सो परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया था, ट्री के फॉर्म में इसको दिखाया हुआ था। तो ये क्विजेस का जो टॉप रूट है, क्विजेस है, इसके बाद ये क्वेश्चन क्विजेस के जो टाइटल हैं वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे साइंस पे क्लिक करेंगे तो इसमें 5 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे उसके जो आंसर्स हैं वो दिखा रहे हैं, ऑप्शन आंसर, ठीक है। तो इतना परफेक्ट है। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी स्टूडेंट जैसे एक मेन स्क्रीन ऐड करेंगे जहाँ पर हम डैशबोर्ड दिखाएंगे और यहाँ पर हमको बेसिकली एक टैब ऐड करना है डैशबोर्ड। तो वो डैशबोर्ड टैब ऐड करेंगे और उसमें हम एक जो चार्ट है वो दिखाएंगे और चार्ट में हम दिखाएंगे कि आपने जो क्विजेज ऐड किए हैं किस क्विज में कितने स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है, ये हम दिखाएंगे फर्स्ट चार्ट में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। सो आते हैं, हम डैशबोर्ड ऐड करेंगे इसमें। सो उसको कट कर देते हैं और सबसे पहले मैं चलता हूँ लॉगिन में। तो लॉगिन कंट्रोलर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो बार बार मुझे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ रहा है स्टूडेंट का, तो वो उसको मैं ऑटो फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको ऑटो फिल कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा this.admin@email.setemail, ठीक है, सेट टेक्स्ट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर ईमेल पास करनी है, तो मैंने कहा admin@gmail.com एंड देन एडमिन का पासवर्ड। सो मैंने कहा this.admin@password.setText करेंगे और यहाँ पर मैंने पासवर्ड सेव करना है 123456, तो मुझे बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ओके। सो परफेक्ट है। नाउ हम आते हैं जो हमारा होम है, एडमिन का होम है। तो ये आया हो एडमिन होम स्क्रीन और एडमिन स्टूडेंट टैब। तो क्विज एक्सएमएल ये है, तो मुझे आना है स्टूडेंट का जो एडमिन का जो होम स्क्रीन है, राइट क्लिक करके हम ओपन इन सीन बिल्डर करेंगे। लेकिन उससे पहले सीन बिल्डर को मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दूंगा, ठीक है। सो इसे प्रॉब्लम जो आती है हैंग होने की वो नहीं आती है, ओके। नाउ ओपन करेंगे, तो एडमिन होम स्क्रीन को ओपन करेंगे सीन बिल्डर में। हमने कहा ओपन इन सीन बिल्डर, ओके। सो ये सीन बिल्डर में ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, एक और टैब ऐड करना है। तो यहाँ पर जो टैब ऐड करना है वो होगा एडमिन का डैशबोर्ड, ठीक है। सो ये टैब है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी किया और इसको पेस्ट किया। तो ये लास्ट में ऐड हो गया है, इसको मुझे फर्स्ट में रखना है। मैं इसको ड्रैग करूँगा एंड फर्स्ट में इसको ड्रॉप कर दूंगा। नाउ इस टैब का मैं नाम रख लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा डैशबोर्ड, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर नाम रखा इसका डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड है, हो गया। नाउ इसका जो टेक्स्ट है इसको चेंज करना है मुझे, ठीक है। सो उसको मैं चेंज करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कहा
डैशबोर्ड, ठीक है, ये डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया, सेव करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पर डैशबोर्ड ऐड कर दिया है। नाउ डैशबोर्ड में आप देखो कोई भी वो नहीं है, इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, तो इसका कंटेंट हम अलग से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसको सेव कर देते हैं और इसका कंटेंट क्रिएट करेंगे। सो यहीं पर मैं क्रिएट कर देता हूँ FXML के अंदर जो डायरेक्ट फाइल्स हैं वो एडमिन के लिए बनाई जा रही हैं और स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट के लिए। सो यहाँ पर हम करेंगे न्यू FXML फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हमने रखा एडमिन डैशबोर्ड FXML, ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड FXML मैंने इसका नाम रखा और इसको मैंने क्रिएट किया। नाउ इसको हम कंट्रोलर्स में इसका जो कंट्रोलर है वो क्रिएट करेंगे। सो कंट्रोलर्स डॉट एडमिन डैशबोर्ड FXML कंट्रोलर सेव करेंगे, माउस ओवर करेंगे एंड क्रिएट करेंगे कंट्रोलर। कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। नाउ हमेशा से जो करते आए हैं इंप्लीमेंट करेंगे इनिशियलाइजेबल इंटरफेस, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कहा इनिशियलाइजेबल इंटरफेस और यहाँ पर मुझे जो मेथड ओवरराइड करनी है, माउस ओवर करेंगे लाइन पे एंड इंप्लीमेंट मेथड इनिशियलाइज मेथड को ओवरराइड किया, सेव करेंगे एंड नाउ एडमिन डैशबोर्ड FXML को ओपन करेंगे सीन बिल्डर में। ओके गाइस, सो यहाँ पे मेरी जो प्लानिंग है वो है कि इसमें मैं चार्ट दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले बार चार्ट दिखाऊँ जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि कौन से क्विज में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले बार चार्ट सर्च कर लेता हूँ। बार चार्ट सर्च करने के बाद यहाँ पर मैं बार चार्ट को ऐड करूँगा, फिर बार चार्ट जो फुल स्क्रीन आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही चार्ट नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसमें और भी चार्ट्स हम नीचे दिखाएंगे जिसमें हम पाई चार्ट वगैरह दिखा सकते हैं। पूरा डैशबोर्ड चार्ट से भरा होना चाहिए ताकि एक नज़र में सब कुछ दिखाई दे। तो मैं बार चार्ट को यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्क्रॉल पेन का। सो यहाँ पे स्क्रॉल पेन आप सर्च करोगे तो ये आ गया स्क्रॉल पेन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। सो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। सो स्क्रॉल पेन को मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा और जो बार चार्ट है बार चार्ट को इसके अंदर हम ड्रैग करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक वर्टिकल बॉक्स का यूज़ करना चाहता हूँ। सो ये वी बॉक्स आ चुका है, ठीक है। सो ये वी बॉक्स को मैं यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे वी बॉक्स का स्क्रॉल पेन के अंदर, ठीक है। इस एंकर पेन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस वी बॉक्स को हम इस स्क्रॉल पेन के अंदर रखेंगे। और नाउ बार चार्ट को हम वी बॉक्स के अंदर रखना चाहते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल पेन पे जाएंगे और इसको हम करेंगे प्रॉपर्टीज लेआउट। लेआउट में जाने के बाद सबसे पहले तो उसका लेआउट सेट करेंगे हम, इसको 00 सेट कर देते हैं, ठीक है। सो ये पेरेंट से बिल्कुल 00 पे ये सट के इस तरह से हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्रॉल पेन, परफेक्ट है। नाउ ये चार्ट है इसको मैं फुल स्क्रीन रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये वी बॉक्स के अंदर है। सो सबसे पहले वी बॉक्स का साइज़ आप देखोगे कि ये फुल विड्थ नहीं है, ठीक है। सो मैं स्क्रॉल पेन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं फिट टू विड्थ फिट टू हाइट कर सकता हूँ, तो ये फिट हो जाता है स्क्रॉल पेन अपने पेरेंट्स और उसके अंदर का जो कंपोनेंट वो भी फिट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे फुल स्क्रीन दिख रहा है। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ये जो चार्ट है वो कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फुल स्क्रीन। ओके, ये परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ बार चार्ट वी बॉक्स पे क्लिक करेंगे, वी बॉक्स में जो पैडिंग है वो मैं यहाँ पे 20 का सेट कर देता हूँ। तो ये पैडिंग यहाँ पे इस तरह से ऐड हो गया। नाउ ये चार्ट यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करूँगा, व्यू में जाएंगे और हमने कहा शो सैंपल डेटा, ठीक है। तो ये सैंपल डेटा हमको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे चार्ट दिखाएंगे जो कि बहुत प्यारा हमको दिखाई देगा डैशबोर्ड स्क्रीन में, ठीक है। नाउ हम नीचे और भी चार्ट को ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं चार्ट में ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये जो बार चार्ट है, बार चार्ट में हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं इसका जो आईडी है वो दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट मैंने इसका आईडी सेट किया, सेव करेंगे इसको और नाउ डिस्प्ले में आईडी, ठीक है। बार चार्ट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। नाउ स्क्रीन को हम ओपन करेंगे। इसका जो टाइटल है वो आप सेट कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ में जाके। सो प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं कह सकता हूँ इनरोल्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा कुछ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कहा इनरोल्ड स्टूडेंट काउंट इस तरह से। ओके, इनरोल्ड स्टूडेंट काउंट है ये, तो कितने स्टूडेंट किस में इनरोल्ड हैं वो मैं यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा चार्ट। तो आते हैं चार्ट में डेटा फिल करेंगे। नाउ आते हैं हम वापस कोड में और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि ये जो स्टूडेंट जो डैशबोर्ड स्क्रीन क्रिएट की इसको सबसे पहले ओपन करेंगे और इस स्क्रीन में ये जो बार चार्ट क्रिएट किया इसके लिए फील्ड क्रिएट करना है कंट्रोलर में। तो फील्ड हमने यहाँ क्रिएट कर ली। नाउ इसमें हमें डेटा फिल करना है, तो वो अब देखते हैं कैसे इसमें हम डेटा फिल करेंगे। सो डेटा फिल करने से पहले हम एक क्वेरी देखेंगे कि हम डेटा कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेटा इसको ओपन करता हूँ। मैंने कहा ओपन DB और जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें जो क्विज रिजल्ट है यहाँ से मैं डेटा लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या देखना चाहता हूँ कि जो क्विज आईडी है पर्टिकुलर उस क्विज को कितने स्टूडेंट्स ने इनरोल किया, मतलब कि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट को यूनिक नहीं कर रहा हूँ। अगर एक ही स्टूडेंट है और उसको चार बार क्विज को अटैम्प्ट किया है तो मैं उसको काउंट चार दिखाऊंगा। इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मतलब कितनी बार वो अटैम्प्ट किया गया है वो क्विज, ये काउंट हमें दिखाएंगे। तो अगर मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्विजेस रिजल्ट करता हूँ तो आप देखोगे सारा रिजल्ट आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ग्रुप बाय क्विज आईडी, ठीक है, ग्रुप बाय क्विज आईडी, तो मुझे क्या मिलता है। सो मुझे यहाँ पर यहाँ पे क्या आया, क्विज आईडी, ठीक है। सो ग्रुप बाय, ठीक है। सो मैं ग्रुप बाय का यूज़ करूँगा। मैंने कहा ग्रुप बाय क्विज आईडी, तो हमको जो रिजल्ट मिलता है वो ग्रुप में मिलता है, क्विज आईडी यूनिक मिल रही, ठीक है। अब क्या हो रहा, क्विज आईडी रिपीट नहीं हो रही, लेकिन इसमें कितनी रोज थी इससे रिलेटेड वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ और मैं यहाँ पे कर दूँ कि वेयर क्विज आईडी वेयर
वेयर क्विज आई डी इज इक्वल्स टू वन, तो इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर क्या मिलेंगे, फोर रोज मिली हैं, लेकिन इसमें देखो स्टूडेंट अलग अलग हैं, ठीक है, तो जितनी बार क्विज को अटैम्प्ट किया गया है उतनी रो यहाँ पर हैं, तो क्विज वन को चार बार अटैम्प्ट किया गया, तो ये मुझे काउंट चाहिए, ठीक है। सो मैं अगर वेयर का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर फोर आ रहा है रिजल्ट, तो ये जो काउंट है वो मुझे मिलना चाहिए अलग अलग क्विज के लिए। सो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ग्रुप बाय और यहाँ पर मैंने कहा क्विज आई डी, ठीक है, क्विज आई डी, तो मुझे यूनिक क्विज आई डी तो मिल रही है लेकिन मुझे काउंट नहीं मिल रहा, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके क्या कर लेता हूँ, मैंने इसको कहा काउंट ऑफ एस्ट्रिस्क, ठीक है। तो मुझे अब हर एक रो का यहाँ पे काउंट मिल जाएगा। तो आप देखो जो फर्स्ट था उसको चार बार अटैम्प्ट किया, जो दूसरा था उसको तीन बार, उसको 21 बार, ठीक है। सो काउंट मिल गया, लेकिन इसमें मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा वाला क्विज कितनी बार अटैम्प्ट किया गया है, ठीक है। सो मैं इसको इनर ज्वाइन करूँगा, ज्वाइन लगाएंगे क्विज से, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, उसको मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक ही कर देता हूँ, लास्ट में हम करेंगे काउंट, ठीक है। सो हमने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रिजल्ट, तो आ गया ना, मुझे क्विज आई डी से इसको ज्वाइन लगाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा ज्वाइन कि ग्रुप बाय लास्ट में करेंगे सबसे पहले, उसके बाद रिजल्ट के बाद हमने कहा ज्वाइन ज्वाइन और क्विज, ठीक है। तो क्विजेस के साथ मुझे इसका ज्वाइन करना है, क्विजेस टेबल के साथ, मैंने कहा क्विजेस डॉट क्विजेस ऑन, तो आप किस किस कॉलम पे करना चाहते हैं, तो क्विजेस कॉलम पे, तो हमने यहाँ पर कहा क्विज रिजल्ट डॉट क्विज आई डी, क्विज रिजल्ट डॉट क्विज आई डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने कहा क्विजेस डॉट आई डी एंड देन ग्रुप बाय क्विज आई डी, ठीक है। तो रन करेंगे, सो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, उस क्विज का टाइटल आ चुका है, उस क्विज की आईडी आ चुकी है, ठीक है। ये क्विज आईडी यहाँ से मिल जाएगी या फिर आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, परफेक्ट। यहाँ देखो दो दो आईडीज़ हैं यहाँ पर, तो ये दो दो आईडीज़ हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, उसको हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सी आईडी थी, ये जो आईडी है बाद में आ रही है क्विज आईडी, तो यहाँ पे मैं जो सेलेक्ट करूँगा लास्ट में यहाँ पे बताएंगे क्या क्या हमको सेलेक्ट करना है, तो परफेक्ट है ना। मैं यहाँ पे काउंट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो जो जो चीज़ें हमको यहाँ पे जरूरत है पहले वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सो मुझे स्टूडेंट आईडी की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कितने स्टूडेंट, मुझे केवल काउंट से मतलब और क्विज से मतलब, तो कौन सा क्विज कितने बार अटैम्प्ट किया गया वो मुझे चाहिए, और डेट की भी जरूरत हो सकती है, तो मुझे अभी जरूरत नहीं समझ में आ रही, तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेसिकली अब मुझे क्या चाहिए, आईडी और टाइटल, तो क्विज आईडी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो क्विज आईडी मुझे मिलेगा क्विजेस डॉट आईडी कॉमा, मैंने यहाँ पर कहा क्विजेस डॉट, सॉरी हमने यहाँ पर कहा क्विजेस डॉट टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे, रन किया तो ये आ गया, लेकिन अब मुझे चाहिए काउंट के हर एक क्विज में कितना यहाँ पे काउंट हो, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा काउंट को, तो मैंने यहाँ पर कहा काउंट ऑफ एस्टरस, कितनी रोज रिटर्न हो रही है वो मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको रन किया, तो परफेक्ट है, सब कुछ सही आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मेरे पास तीन क्विज आ रहा है लेकिन जो बाकी के जो क्विजेज हैं उनके जो नंबर हैं वो नहीं आ रहे, तो उसमें तो जीरो आना चाहिए जो बाकी के क्विज हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट नहीं है तो वो उसको जीरो दिखना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी देखो मैंने जो ज्वाइन लगाया हुआ है इसमें कंडीशन है कि जहाँ पे क्विज की जो रिजल्ट आईडी है इसके बराबर होगी वही बस मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे क्विजेस का पूरा डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा तो राइट जाऊँ, तो राइट ज्वाइन और आउटर ज्वाइन यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है इसमें एसक्यूएलआईट में यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे राइट ज्वाइन लगाता हूँ, आप देखिए आर आई जी एस टी राइट ज्वाइन, तो ये मुझको एरर दे देगा कि यहाँ पे राइट ज्वाइन है आर नॉट करेंटली सपोर्टेड, मतलब एसक्यूएलआईट में सपोर्टेड है ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करूँगा। सो मैं अगर लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करता हूँ इसमें और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे ये आ गया, लेकिन मुझे लेफ्ट टेबल से डेटा चाहिए पूरा, हाँ पूरा डेटा लेफ्ट टेबल का चाहिए, मतलब कि लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट में मुझे ये क्विजेस टेबल करनी पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे कर दूंगा, तो मुझे क्या करेंगे क्विजेस का जो पूरा डेटा मुझे मिलेगा। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है कि क्विजेस का पूरा डेटा चाहिए, चाहे उसमें नल भी आ जाए, तो मैं इसको रन करूँगा, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे कितने रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास, इंटरटेनमेंट की सारी चीज़ आ रही है, लेकिन मैंने ग्रुप बाय क्या किया क्विज आईडी, तो क्विज आईडी नहीं करूँगा, अब मैं क्विजेस की जो आईडी है उस पर करूँगा, तो मैंने यहाँ पर कहा quizzes.id, ठीक है। बात वही है, आईडी सेम है, लेकिन मैं ग्रुप बाय quizzes.id करूँगा, तब मुझे क्विजेस का पूरा यहाँ पर डेटा ग्रुप होकर मिलेगा। सो मैंने अगर रन किया तो यहाँ पर आप देखो पूरे क्विजेस आ गए हैं, काउंट आ चुका है। अब आप देखोगे कि जो काउंट नहीं है जैसे मैं वो भी मुझे मिल रहा है, ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो नल रिटर्न हो रहा है, वो तो एक सिंगल मिल रही होगी वहाँ पे मुझे, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ और यहाँ पे केवल एस्टरिस्क यूज़ करूँ और मैं रन करता हूँ, तो इसमें आप देखोगे कि जो क्विजेस टेबल है उसका डेटा पूरा मिल रहा है, लेकिन जो दूसरे साइड की जो टेबल थी उसमें कुछ नहीं था, उसमें मुझे नल रिटर्न हुआ, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ओके। सो मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे वन मिल रहा है, उसमें नल है, तो जहाँ पे नल था आईडी जिसमें रिजल्ट में क्विज रिजल्ट में जिसमें रो नहीं है वहाँ मुझे जीरो चाहिए होना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक और वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा रिजल्ट सॉरी यहाँ पर मैंने कहा क्विज रिजल्ट डॉट आईडी भी मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, मैंने कहा रन, तो आप देखोगे जहाँ पर क्विज आईडी नल है उसका काउंट मुझे जीरो चाहिए, तो अभी ये सी परफेक्ट है। मैं इसको जब एक्सेस करूंगा जावा में, तो वहाँ पे मैं चेक कर लूँगा कि अगर ये आईडी नल है
उस केस में मैं इसका जो काउंट है वो जीरो कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाली क्वेरी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये भी परफेक्ट काम कर रही है। तो आप देखो ये परफेक्ट है, जहाँ जहाँ पे नल नहीं है, यहाँ पे नल नहीं तो उसका फोर काउंट सही है, यहाँ पे नल नहीं है तो थ्री काउंट सही है, यहाँ पे भी नल नहीं है तो यहाँ पे 21 आ रहा है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये सब कुछ सही है, जहाँ पे नल आएगा उसका जो काउंट है उसको मैं जीरो कर दूंगा, ठीक है। और जहाँ पे नल नहीं है इसका मतलब है कि उसमें काउंट सही है। तो इसका हम यूज़ करेंगे, इसको मैं चल के कोड में कन्वर्ट करते हैं, वापस आते हैं अपने कोड में और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्विजेस टेबल में, ठीक है। सो जो क्विजेस जो मॉडल है यहाँ पे हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, देन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, गेट स्टूडेंट काउंट करके मेथड क्रिएट किया, जो कि स्टैटिक क्रिएट किया है क्विजेस में। तो सो जब मैं कॉल करता हूँ तो ये मेरे को ना यहाँ पे इंटीजर मैंने क्रिएट अभी किया है, इसको चेंज करेंगे। तो ये क्या करता है, मैंने यहाँ पर ये क्वेरी पास कर दी और उस क्वेरी में जो भी वैल्यूज थी वो पास कर दी। तो सिंपल है, हम हमेशा से करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स को आप कमेंट से भर दो, ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आप मुझसे सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। सो टेस्ट और जावा में जाएंगे और इसको हम टेस्ट करेंगे। तो ये जो गेट स्टूडेंट काउंट मैंने इसे कॉल किया और उसको मैं रन करता हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बेसिकली यहाँ पर जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट सेट मैंने प्रिंट किया है, तो टोटल ये 8 रिजल्ट है, 8 आया है। 8 क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को 8 रो मिल रही है, परफेक्ट है सब कुछ। ना उस नल की बात करते हैं, ये कैसे यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न में मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा क्विज ऑब्जेक्ट प्लस उसमें कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं वो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैप का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैप में मैं क्या करूँगा, एज अ की मैं यूज़ करूँगा क्विज को, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि इनरोल्ड हैं उसको मैं यूज़ करूँगा एज अ की। तो मैं यहाँ पर एक मैप क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैप में मैं यहाँ पर क्विज ऑब्जेक्ट रखूँगा एज अ की, एंड वैल्यू में हम रखेंगे यहाँ पर इंटीजर, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कहा डेटा इक्वल्स न्यू हैश मैप का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नाउ यहाँ पर मुझे क्या करना है, नाउ अब बात करते हैं, मेन यहाँ पर जो कहानी है वो शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट सेट मुझे मिल जाएगा, परफेक्ट। सबसे पहले क्विज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, हमने कहा क्विज 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 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर कहा न्यू क्विज, ठीक है। सो क्विज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्विज में हमको आईडी सेट करना है, तो हमने कहा क्विज डॉट सेट आईडी, एंड देन हमने यहाँ पर कहा क्विज डॉट सेट टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल सेट करेंगे। नाउ मुझे जो आईडी मिलने वाली थी, मैंने जैसे बताया था आपको कि अगर ये वाली आईडी नल है तो इसका मतलब अकाउंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ, इंट काउंट इज इक्वल्स टू, इनिशियली मैं इसको रिजल्ट जीरो से असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं काउंट जीरो कब तक रहेगा, जब तक कि आईडी नल नहीं है। अगर ये आईडी में कुछ वैल्यू है इसका मतलब अकाउंट की वैल्यू हम एक्सेस करेंगे डेटाबेस से, ठीक है। अगर ये नल है तो मैं इसको डेटाबेस से एक्सेस नहीं करूँगा, उसको मैं जीरो से असाइन रहने दूंगा, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे सबसे पहले ये आईडी एक्सेस कर लेते हैं। तो ये आईडी मुझे कैसे मिलेगी, सबसे पहले यहाँ पर जो पहले मुझे मिल रही है आईडी है, ये है क्विज की आईडी, तो वो एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आईडी सेट करूंगा, तो मैंने यहाँ पर कहा रिजल्ट डॉट गेट इंट, ठीक है, कॉलम इंडेक्स 1 यहाँ पे सेट करेंगे। देन यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग चाहिए जो कि है टाइटल, तो ये सेकंड इंडेक्स में मिलेगा। सो मैंने यहाँ पर कहा रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स 2, ठीक है। अब काउंट और इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले काउंट एक्सेस नहीं करता मैं, यहाँ पर आईडी एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो रिजल्ट आईडी थी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कहा इंट रिजल्ट आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कहूँगा रिजल्ट डॉट गेट इंट, और इसका जो कॉलम इंडेक्स वो 4 है, ठीक है। सो 4 से मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी, अगर ये नल होता है, ठीक है, नल है तो आई थिंक, ठीक है, सो ये नल रहेगा। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पर कोई एरर वगैरह थ्रो होगी, क्योंकि नल है। सो यहाँ पर मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है, तो इंटीजर में मुझे नल असाइन हो सकता है, ठीक है, देख लेंगे जो भी है। सो इसके बाद मैं क्या कहूँगा, इफ़ मैंने यहाँ पर कहा कि अगर रिजल्ट की जो आईडी है, ठीक है, अगर जो रिजल्ट आईडी है इक्वल इक्वल नल है, ठीक है, इसका मतलब कि काउंट हमारा जीरो रहेगा। अगर नहीं है तो मैं काउंट में वैल्यू एक्सेस करूंगा, तो मैंने यहाँ पर कहा नॉट नल, ठीक है। अगर ये नल नहीं है तो मैं काउंट में वैल्यू असाइन करूंगा। सो मैंने कहा काउंट इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट गेट इंट, और ये कॉलम इंडेक्स हम यहाँ पे 3 पास करेंगे। ना उसको मैं मैप में होल्ड करूंगा, सो मैंने कहा मैप डॉट मैप नहीं डेटा, सो डेटा डॉट पुट में यहाँ पर यूज़ करेंगे। पुट में हमको क्विज पास करना है, देन ये काउंट पास करना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ये काउंट पास कर दिया, सेव करेंगे, एंड लास्ट में हम यहाँ पे मैप को रिटर्न करेंगे। सो जो डेटा है वो मैं ऐसे रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। सो उसका जो रिटर्न टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर आते हैं, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो मैं मैप कर देता हूँ, मैप ऑफ क्विज एज अ की एंड इंटीजर एज अ वैल्यू, परफेक्ट है। नाउ इसको रन करते हैं, यहाँ पर कोई एरर है क्या, चेक कर लेते हैं, ठीक, कोई एरर नहीं है। टेस्ट और जावा में जाएंगे, इसको अगेन रन करते हैं, ठीक है। सो रन करने के बाद जो मुझे रिटर्न होगा मैं उसको प्रिंट भी कर देता हूँ, कॉपी करेंगे इसको, और हमने कट किया, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इसको यहाँ पे पेस्ट किया, एंड देन इसको रन कर। सो यहाँ पर क्या आया देखेंगे हम। सो यहाँ पर जो टाइटल है वो प्रिंट हुआ, देन 21 प्रिंट हुआ। अगेन यहाँ पर जो टाइटल है उसमें 4 स्टूडेंट है, दूसरा टाइटल उसमें 1 है। यहाँ पर इस तरह से आप देखो कि 1 1 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है,
तो ये जो क्या है परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो 1 1 प्रिंट हो रहा है, उसको 0 प्रिंट करना चाहिए। तो वो क्यों नहीं कर रहा वो देख लेते हैं। तो जो रिजल्ट आईडी है वो यहाँ पे नॉट नल आ रही है, तो मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। रिजल्ट आईडी क्या यहाँ पे मुझे मिल रही है उसको हम एक बार प्रिंट करेंगे। तो मैंने कहा रिजल्ट आईडी हम प्रिंट करेंगे, रिजल्ट में आईडी में मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। सो आई थिंक वहाँ पे नल है क्योंकि वो इंटीजर है, तो मुझे नल की जगह पे 0 मिलेगा मेरे ख्याल से। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे 0 मिल रहा है, ठीक है। तो 0 के बेसिस पे मैं इसको करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे एसक्यूएल में नल मिल रहा है, लेकिन क्योंकि इंटीजर है और यहाँ पे मुझे वो उसको 0 में कन्वर्ट करके दे रहा है डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर ये इक्वल इक्वल 0 है, क्योंकि तो आईडी है ये हमेशा 0 से बड़ी होती है, प्राइमरी की है क्योंकि वो। सो अगर ये इक्वल इक्वल 0 है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो काउंट की वैल्यू वो भी 0 सेट कर दूंगा, ठीक है। सो नाउ इसको हम सेव करेंगे एंड नाउ ओके। सो अगर ये 0 है तो मैं काउंट का वैल्यू 0 रखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा नॉट 0, ठीक है। अगर ये 0 नहीं है मतलब ये 0 से बड़ी है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अगर रिजल्ट आईडी 0 से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, जो काउंट है उसको मैं 0 से असाइन नहीं करूँगा, जो वैल्यू डेटाबेस से आई उसको असाइन करूँगा। नाउ रन करते हैं और अब आप देखोगे मैप में हमको एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। एक क्विज एसोसिएटेड होगा एक इंटीजर वैल्यू से, जिसमें एक क्विज शो करेगा कि उसमें कितने स्टूडेंट इनरोल्ड है। ये जो स्टूडेंट है इसमें 0 स्टूडेंट है, स्पोर्ट्स में 0 स्टूडेंट है, एंटरटेनमेंट में म्यूजिक में 4 स्टूडेंट है, गैजेट्स में 21 स्टूडेंट्स थे। तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम बार चार्ट में, और बार चार्ट में कैसे ये डेटा दिखाना है उस पर बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो बार चार्ट है डैशबोर्ड स्क्रीन वो ओपन कर लेते हैं। सो डैशबोर्ड कंट्रोलर, ठीक है। सो एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर पे आते हैं, ये बार चार्ट इसमें हमको डेटा दिखाना है। सो नाउ अब इस पर काम करेंगे। सो हमने डेटा कलेक्ट करने के लिए मेथड क्रिएट किया है, तो पहले सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैप क्रिएट कर लेंगे, जिसमें हमको क्या मिलेगा, की में क्विज मिलेगा और इंटीजर में मिलेगा हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने इसको कहा डेटा, डेटा इक्वल जो क्विज में हमने मेथड क्रिएट किया उसको हम कॉल करेंगे। तो हमने कहा गेट स्टूडेंट काउंट, स्टूडेंट काउंट के साथ मुझे वो क्विज मिलेगा कि किस क्विज का वो काउंट है, ठीक है। सो नाउ इसमें डेटा कैसे फिल करना है, तो बार चार्ट पे आएंगे। सो बार चार्ट डॉट हमने यहाँ पर कहा गेट डेटा, सो इससे मुझे सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। सीरीज़ रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ डेटा को, तो मैंने यहाँ पर कहा सीरीज़, मैंने यहाँ पर कहा सीरीज़, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सीरीज़ क्रिएट करेंगे यहाँ पर ऑब्जर्वेबल ऑफ सीरीज़, ठीक है। सो ऑब्जर्वेबल जो लिस्ट है मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, सो ये मिलेगा मुझको सीरीज़ का, ठीक है। नाउ इसको मैंने कहा सीरीज़, मैं एक ही सीरीज़ में सारा डेटा ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सीरीज़ में आप बहुत सारी अलग अलग सीरीज़ क्रिएट करके उसमें ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा होता है, तो मैं एक ही सीरीज़ में सारा डेटा ऐड करूँगा। सो नाउ मैं इस पर इटरेट करूँगा मैप पे। सबसे पहले मैं की सेट यहाँ से निकाल लेता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे क्विजेस का मुझे सेट मिल जाएगा, ठीक है। क्विजेस, तो सारे क्विजेस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर कहा डेटा, डेटा डॉट गेट डेटा डॉट की सेट, ओके। तो ये मुझे की सेट मिल गया। नाउ इस पर मैं ट्रेड करूँगा, सो मैंने यहाँ पर कहा फॉर, मैंने यहाँ पर कहा क्विज, क्विज और यहाँ पर मैंने क्विजेस पास किया, तो एक एक क्विज मुझे क्विज में मिलेगा। नाउ इसका जो डेटा मुझे ऐड करना है, तो सीरीज़ में ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा सीरीज़ डॉट ऐड, तो उसको मुझे एक सीरीज़ देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक सीरीज़ क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्या सीरीजेज़ हैं, जो ग्रुप ऑफ सीरीज, तो मुझे सिंगल सीरीज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं कहूँगा सीरीज़ वन, या फिर हम कहेंगे यहाँ पर मेन, मेन सीरीज़ इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर कहा न्यू सीरीज़, ओके। तो ये हमने सीरीज़ क्रिएट कर लिया है, सीरीज़ में हमको डेटा ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा मेन सीरीज़ डॉट ऐड, तो उसको मुझे डेटा पास करना है। सो मैंने यहाँ पर कहा न्यू डेटा, न्यू सीरीज़ डॉट, सीरीज़ डॉट गेट, हमने यहाँ पर कहा गेट डेटा, तो एक डेटा का जो ऑब्जर्वेबल है वो मुझे मिलेगा, इसमें मैं ऐड कर दूंगा। सो मैंने कहा ऐड न्यू डेटा, तो यहाँ पर मैं डेटा ऐड कर सकता हूँ। सो मैंने कहा न्यू ऐड न्यू डेटा, ओके। सो ये एक्स वाई चार्ट डॉट डेटा यहाँ पर ऐड करना है। सो इसमें मैं क्या पास करता हूँ, एक स्ट्रिंग और एक नंबर। सो स्ट्रिंग में मैं पास करूँगा क्विज डॉट गेट टाइटल पास कर देंगे, और यहाँ पर मुझे एक नंबर पास करना है। तो वो नंबर क्या होगा, वाई वैल्यू में नंबर होगा इंटीजर वैल्यू जो कि मैप से मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा डेटा डॉट गेट, और यहाँ पर मैं डेटा डॉट गेट, और यहाँ पर की पास करना, तो मैं ये क्विज पास कर लूँगा, जैसे मुझे वो इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। तो टाइटल के साथ मैं ब्रैकेट में नंबर भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो नंबर दिखाने के लिए मैं इसमें प्लस आइकन प्लस कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में नंबर दिखाना चाहता हूँ कि कितने यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ना, यहाँ पर हमने कहा प्लस, सॉरी ओके। सो यहाँ पे मैं नंबर रखूँगा, तो मैंने कहा डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे मैंने क्विज पास किया, ठीक है। सो ये परफेक्ट है, इसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देते हैं, सो रीडिंग आसान हो जाएगी हमारी इससे, ठीक है। सो ये हो गया गेट डेटा, यहाँ पर मैंने एक्स वैल्यू पास कर दी है, एंड देन कॉमा करके मैंने दूसरा वैल्यू पास किया, एंड ये इस तरह से, ठीक है। सो ये, तो यहाँ पर हमने डेटा ऐड कर दिया जो सीरीज़ क्रिएट की है। अब इस सीरीज़ को, मेन सीरीज़ को हमको सीरीज लिस्ट में ऐड करना है। सो नीचे आएंगे यहाँ पर, हमने कहा सीरीज़, सीरीज़ डॉट ऐड, और जो मेन सीरीज़ हमने क्रिएट की वो हम यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। तो सेव कर दिया मैंने ऐसे, नाउ उसको रन करते हैं।
उससे पहले रन करने से पहले हमने क्या किया, जो टैब्स क्रिएट किए हैं, टैब्स मैंने जो डैशबोर्ड टैब है उस डैशबोर्ड टैब में मैंने ये डैशबोर्ड एफएक्सएमएल को नहीं मैप किया है, तो वो करना पड़ेगा। सबसे पहले आएंगे हम होम स्क्रीन में, एडमिन की होम स्क्रीन में यहाँ पर डैशबोर्ड के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, कोई नोड नहीं है, तो होम स्क्रीन को ओपन करेंगे और ये डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया, इसके लिए फील्ड क्रिएट करेंगे। फील्ड क्रिएट की मैंने, वापस आते हैं यहाँ पर ये डैशबोर्ड में ऐड करना है। सो जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया वैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम डैशबोर्ड को ऐड करेंगे, ठीक है। सो कट किया मैंने इसको, कॉपी किया, नाउ यहाँ पर हम डैशबोर्ड ऐड करेंगे। सो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ कि एडिंग डैशबोर्ड, ओके, ठीक है, एडिंग मैंने कहा डैशबोर्ड, यहाँ पर डैशबोर्ड ऐड करना है, तो डैशबोर्ड का जो एफएक्सएमएल है उसका कॉपी कर लेंगे पाथ, हमने कहा कॉपी रिलेटिव पाथ, और ये कॉपी रिलेटिव पाथ करने के बाद यहाँ पर स्लैश के बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये एडमिन का जो पाथ था वो आ गया। सो मैंने इसको नाम दिया यहाँ पर डैश, ठीक है, ये पेरेंट मिल गया, और इसको मुझे ऐड करना है डैशबोर्ड में, और सेट कंटेंट हमको ये जो रूट हमने जो क्रिएट किया डैश वो हम यहाँ पे पास करेंगे, सेव करेंगे और नाउ एप्लीकेशन को रन करेंगे। सो जो रिजल्ट है वो हमको इस बार जो चार्ट है उसमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। सो एडमिन पे जाएंगे, एडमिन पे जाएंगे तो यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने लॉगिन के मेथड के अंदर वहाँ पे ये इनिशलाइज़ किया था, तो मैं उसको इनिशलाइज जो कंट्रोलर के अंदर वहाँ पे इनिशलाइज मेथड के अंदर करना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ लॉगिन कंट्रोलर में, तो आप देखोगे ये मैंने यहाँ पे किया, ये मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए, मुझको करना चाहिए इनिशलाइज मेथड में, तो अब वो हमको वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल एंटर कर देता हूँ admin@gmail.com 123456, ठीक है, देन लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो लॉग इन किया तो आप देखोगे यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो एनरोल्ड स्टूडेंट काउंट, स्टूडेंट का जो काउंट है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे आप देखोगे साइंस एंड गैजेट में 21 स्टूडेंट्स ने जो है एनरोल किया है, मतलब कि इनरोल नहीं किया, मतलब एक ही स्टूडेंट का 21 बार किया है तो भी यहाँ पे 20 बार दिखेगा, तो उसने 21 बार एक क्विज को अटेम्प्ट किया है वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चार्ट में भी देख सकते हो जो दूसरा था क्विज, इसको इसने कितने लोगों ने कैसे किया, तो ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो आप देखो ये इस तरह से हमको दिखता है, तो चार्ट बहुत रिसाइजेबल है, कलर को आप प्रॉपरली चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो नाउ इस वीडियो के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि हम कैसे इसमें, जब हम किसी साइंस इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस आइटम पर हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, सो जब मैं इस आइटम पे क्लिक करूँगा, ठीक है, इस बार में, तो हम क्या करेंगे, नीचे एक और चार्ट है उसको अपडेट करेंगे और उसमें दिखाएंगे कि ये जो 21 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो इनको कितने कितने मार्क्स यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है, लास्ट जो मंथ है उसमें, इस तरह से हम कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम, या फिर ऐसा कर लेते हैं बेसिकली कि हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें जो जो स्टूडेंट्स हैं 21 जिन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है, उन 21 की आपको लिस्ट दिखाएंगे, ठीक है। हम उसमें स्टूडेंट की लिस्ट दिखाएंगे कौन कौन से स्टूडेंट्स ने इसको अटैम्प्ट किया है नीचे यहाँ पर, और इसके बाद हम उसमें क्या करेंगे कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का लिस्ट तो दिखेगा, साथ में एक पाई चार्ट भी हम वहाँ बनाएंगे, और पाई चार्ट में हम ये दिखाएंगे कि स्टूडेंट ने कैसे कहाँ परफॉर्म किया है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसको कितने मार्क्स मिले, कैसा क्या उसने परफॉर्म किया, उसको हम दिखाएंगे पाई चार्ट में, या फिर उसको भी हम बार चार्ट में दिखा सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा और इस पर डीप पे जाएंगे और इस पर थोड़ा इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियोज़ हैं इस क्विज एप्लीकेशन की, इसके बाद बस कुछ ही वीडियो में ये एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो देखते रहिए सिल्वर कोड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।